भारत अर्थव्यवस्था के मामले में ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़ दुनिया में पांचवें नंबर पर आ गया है। अमेरिकी थिंक टैंकर वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू ने 2019 की रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक भारत की जीडीपी पिछले साल 209 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गई। समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता अमर सिंह ने अपनी कही बातों के लिए बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन से माफी मांगी है। अमर सिंह ने कहा कि उन्हें अमिताभ बच्चन और उनके परिवार को लेकर कही बातों के लिए पछतावा है। इससे जुड़ा उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है। कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ने का असर चीन के साथ अब भारत पर भी दिखने लगा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक चीन से सप्लाई बाधित होने की वजह से भारत में पैरासिटामोल दवाओं की कीमत 40% बढ़ गई है। जायडस कैडिला के चेयरमैन पंकज आर पटेल का कहना है कि बैक्टीरिया इन्फेक्शन के इलाज में इस्तेमाल होने वाले एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन की कीमत 70% बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार द्वारा गठित राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बुधवार को पहली बैठक होगी। बैठक में राम मंदिर निर्माण के मुहूर्त से लेकर कार्य पूर्ण होने तक की तमाम बातों पर विचार किया जाएगा। आम जनता से सहयोग राशि लेने जैसे मुद्दों पर भी निर्णय लिया जा सकता है ताकि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद न हो। राजनीतिक दलों को जीत का फॉर्मूला देने वाले राजनीतिक प्रबंधक के रूप में अपनी अलग पहचान बना चुके प्रशांत किशोर ने जेडीयू प्रमुख और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार का विकास किसी पिछलग्गू नेतृत्व के साथ संभव नहीं। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने बिहार में नया अभियान बात बिहार की भी लॉन्च किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार ने मंगलवार को विधानमंडल के दोनों सदनों में वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट पेश किया। मंत्रिपरिषद ने कैबिनेट की बैठक में लगभग 5.25 लाख करोड़ के बजट को मंजूरी दी है। खतरनाक कोरोना वायरस से चीन समेत दुनिया भर में 73,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। अकेले चीन में 72,000 से ज्यादा लोग इसके चपेट में हैं, लेकिन चीन ने उम्मीद जताई है कि जानलेवा वायरस के खिलाफ लड़ाई को वह जरूर जीतेगा। भारत में चीन के राजदूत सुन विडोंग ने कहा कि वायरस के प्रकोप में 50% से ज्यादा कमी आई है और इससे संक्रमित होने वाले लोगों के ठीक होने की दर भी बढ़ी है। जापान में मंगलवार को डायमंड प्रिंसेस शिप पर संक्रमण के 88 नए मामले सामने आए। अब शिप पर संक्रमितों की संख्या 542 हो गई है। जापान के स्वास्थ्य मंत्री कुत्सुत नोबो काटो ने कहा कि शिप पर मौजूद इन यात्रियों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। वे बुधवार से घर जा रहे हैं। एजीआर मामले में वोडाफोन आइडिया के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ने मंगलवार को टेलीकॉम सेक्रेटरी अंशु प्रकाश से मुलाकात की। हालांकि बिरला ने यह नहीं बताया कि मीटिंग में क्या चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि अभी इस बारे में कुछ भी नहीं कहा सकता। शेयर बाजार मंगलवार को भी नुकसान में रहा। सेंसेक्स 161 अंक की गिरावट के साथ 40,894 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान 40,610 पर फिसल गया था। निफ्टी की क्लोजिंग 53 पॉइंट नीचे 11,992 पर हुई।